इंडियन गेमिंग कम्युनिटी। यार वैसे तो अगर देखा जाए ना तो ये नाम अपने को बहुत ही बड़ा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी है वो सिर्फ दो तीन गेम्स के ऊपर ही सिमटी हुई है, जिनमें एक तो है माइनक्राफ्ट, एक है पबजी और एक है GTA, एंड कुछ लोग वैलोरेंट भी खेल लेते हैं। बट कभी सोचा आपने कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर और गेम्स ग्रो नहीं कर पाते? तो आज अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार वी आर क्लोज टू 500, तो प्लीज 500 करवा दो। बाकी अपन स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करना। तो यार देखो, अपन सब लोग जानते हैं कि हर साल बहुत सारे गेम्स रिलीज होते हैं, मतलब बहुत सारे से मेरा मतलब है कि लाखों गेम रिलीज होते हैं, लेकिन फिर भी अपने इंडिया के अंदर वही गेम चलते हैं जो सालों पहले रिलीज हुए थे। लाइक पबजी देख लो, लाइक GTA 5 देख लो, लाइक माइनक्राफ्ट देख लो, मतलब यही गेम चलते रहते हैं। लेकिन इनके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो देखो यार, इनके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है इंडियन यूट्यूबर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन यूट्यूबर्स कैसे, एंड कई लोग तो समझ भी गए होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि बहुत ही समझदार होते हैं कई लोग। तो देखो यार, इसके पीछे सबसे बड़ा यूट्यूबर्स ही रीज़न है, एंड वो इसलिए क्योंकि देखो आपका क्या फ़र्ज बनता है एज ए वीडियो गेम यूट्यूबर कि आप हर गेम के बारे में बात करो, लेकिन इंडिया के अंदर सीन अलग ही है, मतलब बहुत ही अलग ही है। इंडिया के अंदर जो सबसे नया गेम रिलीज़ होता है उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। लाइक अभी आपने देखा फोर्जा होराइजन 5 रिलीज़ हुआ था, उसके बारे में एक बंदे ने भी बात नहीं की। मैंने इंटरनेट पर सर्च मारा, सिर्फ दो तीन यूट्यूबर्स हैं मेरे अलावा जिन्होंने इस टॉपिक को कवर किया है। यार फोर्जा होराइजन इतना वर्थी गेम है कि इसको शेयर करना चाहिए हर किसी के साथ, एंड ये हर किसी के PC में चल भी जाता। ऐसा भी नहीं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स हाई है तो इसको कवर ना करें। एक तो ये गेम इतना अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है, एंड इसने इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स तोड़े हैं अपने खुद के फ्रेंचाइजी के, लेकिन इसको कोई भी कवर नहीं कर रहा। वैसे ही और भी बहुत सारे गेम्स हैं जो इंडिया के अंदर आते हैं, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड वगैरह, ये हैं, मतलब बहुत सारे गेम्स हैं जो इंडिया के अंदर रिलीज़ होते हैं लेकिन उनको कवर कोई नहीं करता। लेकिन वहीं अगर GTA, माइनक्राफ्ट, पबजी, इनकी कोई सीक्वल आती है या फ्रेंचाइजी आती है तो भाई साहब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में बाढ़ सी आ जाती है ऐसी वीडियोज़ की। मतलब यार, या तो ये लोग पैसे खाते हैं इनसे कि सिर्फ इन्हीं के बारे में बात करेंगे, या इनको इन गेम्स के अलावा पता ही नहीं है, इसलिए अपने व्यूअर्स को सिर्फ ये 4-5 गेम्स हैं उनके बारे में ये वीडियोस बना के बताते रहते हैं। लाइक सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं आपको बताता हूँ, जो ऑसम जिनोमी मिनोमी पता नहीं क्या नाम है उसका, वो है एंड एक लेजी असासिन है। लिटरली लेजी असासिन तो बहुत ही ज़्यादा लेजी है, क्योंकि लेजी असासिन करता क्या है, लेजी असासिन क्या करता है कि फॉरेन यूट्यूबर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी फैक्ट्स हैं, उनको चुराता है, उनका एक कंपाइलेशन बनाता है, अपने भोले वाले व्यूअर्स को पागल बना देता है कि ठीक है मैंने इतनी मेहनत की है, मैं नए फैक्ट्स ढूंढ के लाया हूँ। एंड सबसे बड़ी पता है आयरनी वाली बात क्या है, आयरनी वाली बात तो ये है कि वो उनको क्रेडिट भी नहीं देता जिनसे ये उठा के लाया है। मतलब कोई बात नहीं है यार, आपने हिंदी में वीडियो बना दी, बट एटलीस्ट उनको क्रेडिट तो दो जिनके कॉन्टेंट से आपका चैनल चल रहा है। यार एक चीज़, चलो ठीक है क्रेडिट नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन आपने देखा होगा कि इनके हर वीडियो के अंदर GTA, माइनक्राफ्ट या पबजी देखने को मिलेगा ही, एंड ऐसा बहुत रेयरली होता है कि उनके डिस्क्रिप्शन में, उनके टाइटल में या उनके टैग्स के अंदर आपको ये तीन गेम्स देखने को ना मिले। तो यार अब आप लोग सोचो कि जो इंडिया के इतने बड़े वीडियो गेम यूट्यूबर्स हैं, सो कॉल्ड वीडियो गेम यूट्यूबर्स, अगर यही ऐसा काम कर रहे हैं, यही और गेम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो यार छोटे मोटे यूट्यूबर्स तो क्या बात करेंगे। एंड छोटे मोटे यूट्यूबर्स करेंगे भी तो उनके चैनल पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखो यार इंडिया में सीन ऐसा है कि लोग सब्सक्राइबर्स के बेसिस के ऊपर जज कर देते हैं चैनल को कि यार इसके तो इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, ये क्या बोलेगा वीडियो गेम्स के बारे में। इसलिए तो देखो यार, वो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं वो ग्रो करते जा रहे हैं, छोटे यूट्यूबर्स हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, जो मतलब बहुत सारे गेम्स के बारे में बात करते हैं जिनका कॉन्टेंट उनसे ज़्यादा बढ़िया है। मैंने बहुत सारे छोटे मोटे यूट्यूबर्स देखे हैं, भाई मैं तो सबको सब्सक्राइब कर लेता हूँ कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मेरी नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं है, बस मैं कॉन्टेंट देख के सब्सक्राइब कर लेता हूँ। बहुत सारे छोटे यूट्यूबर्स हैं जो उनसे 100 गुना बढ़िया मतलब कॉन्टेंट बनाते हैं, एंड बिना चोरी का कॉन्टेंट बनाते हैं। जो दो तीन यूट्यूबर जिनके मैंने नाम लिए, वो इंडिया में वीडियो गेम्स के टेक्निकल गुरुज ही है। मतलब यार जैसे टेक्निकल गुरुज ही है ना, वो भी किसी काम के नहीं है। देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो यूट्यूबर, क्योंकि वो भी तो चूतिया ही बनाता है सबको। आप खुद सोचो कि जो फोर्जा होराइजन 5 है वो रिलीज़ हुआ, लेकिन उसके बारे में बात नहीं की उन्होंने, जो इतना शानदार गेम है, लेकिन पबजी न्यू स्टेट के बारे में उन्होंने जल्दी से बात कर दी, क्योंकि या तो वो पैसा खा रहे हैं या उनको और गेम्स के बारे में पता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इन गेम्स के बारे में तो ये बात कर लेंगे जल्दी से, लेकिन जो और गेम्स हैं उनको छोड़ देते हैं। तो यार जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, अगर वही इन चीज़ों को कवर नहीं करेंगे, इन गेम्स को कवर नहीं करेंगे, लाइक बहुत सारे गेम्स आते जाते रहते हैं उनको कवर नहीं करेंगे,
बेचारे हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स क्या ही उखाड़ लेंगे। वो आप लोग सोच रहे होंगे कि यूट्यूबर्स के करने से ही क्या होगा, तो देखो यार यूट्यूबर के करने से ही बहुत कुछ होता है। अगर आपका टीचर आपको मैथ के बारे में बताए ही नहीं तो आप मैथ के बारे में कभी जान पाओगे? नहीं जान पाओगे ना। वही सीन होता है अगर एक वीडियो गेम यूट्यूबर और गेम्स के बारे में बात ही नहीं करेगा तो उनके जो यूज़र वगैरह ये हैं वो कैसे जान पाएंगे कि इस दुनिया में और भी गेम एक्सिस्ट करते हैं। देखो यार मेरी कोई हेट नहीं है GTA, माइनक्राफ्ट, पबजी वगैरह इनसे, क्योंकि इनको मैं भी बहुत ही ज़्यादा खेला हूँ। माइनक्राफ्ट नहीं खेला मैंने इतना, लेकिन GTA एंड पबजी को तो मैंने बहुत ही खेला है। पबजी PC की बात कर रहा हूँ मैं, पबजी मोबाइल की नहीं। तो हाँ इन गेम्स को मैंने भी बहुत ज़्यादा खेला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हीं उन्हीं गेम्स के बारे में बात करे जाऊँ। मैंने टैग तो लगा रखी है इंडियन वीडियो गेम यूट्यूबर की, एंड मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ 2-3 गेम्स के बारे में जो कि मुझे नहीं लगता कहीं से भी अच्छी चीज़ है। लेकिन अपने ये सो कॉल्ड वीडियो गेम यूट्यूबर्स, इनको तो भाई ये भी नहीं पता कि अभी और कितने सारे गेम रिलीज़ हो गए रिसेंटली। बस GTA ट्रायलॉजी रिलीज़ हो गई, उसी के बारे में 10-15 वीडियो बना दो, बाकी और गेम्स गए तेल लेने, किसी को किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो यार एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के अंदर ये 4-5 गेम के इतने ज़्यादा चलने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो इंडियन यूट्यूबर्स है वो और गेम्स को कवर करना ही नहीं चाहते। एंड अगर वो ही कवर नहीं करेंगे, जो स्ट्रीमर वगैरह ये है वो ही अगर इन गेम्स को नहीं खेलेंगे, तो तुम सोचो कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कहाँ पे ग्रो करेगी। बस वो लिमिटेड हो जाएगी कुछ गेम्स के लिए ही। एंड आप देख सकते हो कि CS:GO के कितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और कॉल ऑफ ड्यूटी के कितने बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन इंडिया की कोई भी टीम नहीं है। एक टीम थी जिसने भी कुछ कांड कर दिया था, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे कभी। तो बस एट द एंड मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपनी इंडिया की जो गेमिंग कम्युनिटी है वो इन 4-5 गेम पे इसीलिए सिमटी हुई है क्योंकि अपने यूट्यूबर्स और गेम्स को कवर करना ही नहीं चाहते। अपने जो स्ट्रीमर्स हैं वो और गेम्स को खेलना ही नहीं चाहते। बस 2-4 स्ट्रीमर है बहुत अच्छे, वो ही और गेम्स को कवर करते हैं जिनको बेचारों को व्यूज़ नहीं मिलता। तो यार बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप मेरे बातों से एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक करना, अगर डिसएग्री करते हो तो डिसलाइक करना, क्योंकि डिसलाइक का बटन किसी काम में तो आए। एंड कमेंट सेक्शन में बताना अपनी ओपिनियंस, बाकी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।